हाथरस में गंदगी और जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। वहीं नाराज महिलाओं ने सफाई इंस्पेक्टर को चूड़ियां भी पहनाई। लगातार बारिश, जलभराव और गंदगी से परेशान लोगों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, पर कोई जवाब न मिलने के बाद मजबूरी में सड़कों पर उतरे इन लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और मेरे आसपास के 8-10 घरों में, किचन में, बाथरूम में, आंगन में, सब में पानी आ रहा है, सबका जीना। आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज हमने खबर करी थी, ऊपर लखनऊ फोन करा है, क्या नाम दिवाकर जी को फोन करा है, तब यहाँ पर ईओ साहब आए हैं, देख रहे, उन्होंने रात ही कहा है कि मैं तुरंत एक्शन लूंगी। क्या नाम उनका, आपने बंधक बनाया उनको? श्वेता बंधक बनाया, लेकिन वो छूट के भाग गई। अच्छा, वो हमें मैं नया आया हूँ। आपने चूड़ियाँ क्यों बनाई? उन्हें चूड़ियाँ हमने इसलिए बनाई कि हमने 2 महीने पहले से ये एप्लीकेशन दे रखी है, 2 महीने हो गए रिसीव कराई हुई। चूड़ी किसको पहनाई थी आपने? चूड़ी हमने पहनाई है एसआई को। और ईओ चूंकि नए आए, उन्होंने हमें 3 दिन का वादा किया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाकर देश से गंदगी हटाने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही के चलते लोगों को गंदगी और जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।